अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए आज आप लोग को हम बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कोशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने तीन कलर का कपड़ा लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। हमने लिया है ग्रीन, येलो, रेड, और जो हमने येलो वाला लिया है ये वाला पीस हमने लिया है, ये हमने लिया है दो पीस, रेड वाला भी हमने दो पीस लिया है, छोटा हमने जो हमारा पीस है येलो वाला ये हमने लिया है चार पीस, और रेड वाला जो छोटा पीस है हमने लिया है चार पीस, और हमने ये ग्रीन वाला हमने लिया है एक पीस। और ये देखिए इस तरीके से हमारा है। अब आप लोग को इसका मेजरमेंट नाप की लंबाई चौड़ाई दिखा दे रही हूँ। ये जो हमारा ये वाला पीस है येलो वाला, ये चार इंच लंबाई चार इंच चौड़ाई, और जो ये हमारा रेड वाला पीस है ये भी चार इंच लंबाई चार इंच चौड़ाई, और जो हमारा छोटा येलो वाला पीस है ये ढाई इंच लंबाई ढाई इंच चौड़ाई, और जो हमारा रेड वाला पीस है ये भी ढाई इंच लंबाई और हमारा ग्रीन वाला पीस है ये भी ढाई इंच लंबाई ढाई इंच चौड़ाई। ये देखिए जो हमारा येलो वाला पीस है हम दोनों पीस को इस तरीके से बराबर कर लेंगे। देखिए बराबर करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर से अच्छे तरीके से, और रेड वाला भी इसी तरीके से हम कटिंग कर देंगे बराबर कर कर। देखिए आराम आराम से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है दोनों पीस मतलब, और जो ये वाला हमारा छोटा वाला पीस है रेड और येलो, एक पीस हम रेड लेंगे एक पीस येलो लेंगे इस तरीके से, और दोनों हम अच्छे तरीके से बराबर कर कर और इसी तरीके से हम रख रख कर सिलाई करेंगे। देखिए देखिए इस तरीके से हम बराबर कर कर एक एक पीस की हम सिलाई कर लेंगे आराम आराम से। ये देखिए हमने पूरे पीस की सिलाई कर लिया है, इसकी कटिंग भी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा आया है सिलाई कर कर। अब ये वाला हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं सिलाई कर कर। एक वाला हम एक पीस हम रेड वाला लेंगे और एक पीस हम येलो लेंगे। देखिए इस तरीके से आराम आराम से हम पूरे पीस की सिलाई कर लेंगे एक एक लेकर। देखिए इस तरीके से, और एक पीस हम देखिए इस तरीके से येलो लेंगे एक पीस रेड लेंगे, इसी तरीके से हम चार पीस आया है हमारा, चारों पीस की हम सिलाई करेंगे। ये देखिए एक एक पीस रख कर हम इस तरीके से सिलाई करेंगे आराम आराम से। ये देखिए बराबर कर कर हम अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने पूरे पीस की सिलाई कर लिया है, इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है, और अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा कोना है उसको हम कट कर लेंगे, और देखिए इस तरीके से आया है पूरे कोने की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है, प्रेस इसको कर लिया है, अब आप लोग को इसका दिखा रहे हैं। देखिए हमने इस तरीके से हमारा आया है, और हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं इसको पर पहले रख कर। ये देखिए इस तरीके जो हमारा ग्रीन वाला है वो बीच में रहेगा, और ये जो हमने रेड और येलो का हमने किया था एक एक, ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा डिजाइन रहेगा। देखिए अब देखिए एक एक पीस हम जॉइंट करेंगे। देखिए इसके ऊपर हम ये वाला लेंगे, और जो हम थोड़ा थोड़ा हमारा कपड़ा है छुटा हुआ है ये हम इसको बीचों बीच से हम सिलाई करना चालू करेंगे, इसलिए कि जो हमारा टुकड़ा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे आराम आराम से। देखिए हम आराम आराम से सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से सिलाई किया है। देखिए एक साइड हमने हमारा रेड आया है, एक साइड हमारा येलो आएगा, और बीचों बीच से हम सिलाई करेंगे। जो इधर उधर का थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा हो गया है उसको बाद में हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है, ये हमारा डिजाइन ये एक पट्टी तैयार हो गया है। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है, अब हमारा बराबर से हो गया है, और ये जो हमारा ग्रीन वाला है उसके ऊपर रेड रहेगा। देखिए बीच में हमारा ग्रीन रहेगा, उसके साइड साइड मतलब बगल में रेड रहेगा। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है, और फिर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो हमारा ग्रीन वाला पीस है ना वो बीच में रहेगा। देखिए हमने सिलाई कर लिया है, ये देखिए हमारा बीच में बराबर से आया है, और इस तरीके से सेम हम इसी तरीके से इधर भी हम सिलाई करेंगे। देखिए हमने इस साइड भी पट्टी तैयार कर लिया है इस तरीके से। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड का कपड़े को कटिंग कर दिया है, और ये हमारा तीसरा मतलब हमारा तीसरा पीस तैयार है। अभी एक एक कर कर हम जॉइंट कर देंगे। देखिए एक कर कर हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से।
देखिए हमारा जो ये वाला पट्टी है ना, इसके ऊपर हम रखेंगे अच्छे तरीके से बराबर से, और उसके बाद में हम अच्छे तरीके से रखने के बाद में सिलाई करेंगे। देखिए आराम आराम से सिलाई लगाएंगे, जो हमारा सिलाई है ना सिलाई पर ही रहना चाहिए, इधर उधर ना हो, सिलाई सिलाई पर रहे तभी हमारा डिज़ाइन बनकर अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है, इस तरीके से हमारा आया है, और इधर भी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस साइड भी ये पीस हम रखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है, इस साइड भी हमने सिलाई कर लिया है। देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। अगर आप पूरा बेडशीट में बनाना चाहते हैं तो एक एक पीस लेकर आप ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन मतलब बनाना आता है तो खुद से बनाइए, बहुत प्यारा लगता है बेडशीट। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।